गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा? आई होप यू ऑल वन आर डूइंग देयर वर्क ऑन डेली बेसिस। एंड टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर नेक्स्ट चैप्टर, फिफ्थ चैप्टर ऑफ फ्लेमिंगो इंडिगो, रिटन बाय लुइस फिशर। इंडिगो मीन्स नील। नील का मीनिंग होता है जैसे आप जो कपड़ों में नील देते हो व्हाइट कपड़ों के अंदर, उसको उसके बारे में चैप्टर। एंड हाउ द पिजन सफर ड्यू टू द इनजस्टिस एंड अनइक्वलिटी ऑफ द ब्रिटिशर्स, एंड दिस प्रॉब्लम इज सोल्व बाय महात्मा गांधी। सो हाउ महात्मा गांधी सोल्व दिस प्रॉब्लम, इट इज डिस्क्राइब्ड इन दिस चैप्टर सोल्यूशन। फर्स्ट आई वुड लाइक टू क्लियर टू यू, इट्स योर फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर, आपके चैप्टर की फर्स्ट वीडियो है। एंड बिफोर गोइंग ऑन द चैप्टर आई वुड लाइक टू क्लियर द थीम ऑफ दिस चैप्टर। मैं इस चैप्टर की थीम को क्लियर करना चाहूँगी, आप सुनेंगे ध्यान से। ये चैप्टर इंडिगो किस चीज़ को क्लियर करना चाहता है, क्या रिप्रेजेंट करना चाहता है। दिस स्टोरी इंडिगो रिप्रेजेंट्स दैट हाउ गांधी जी डिसाइडेड टू डिपार्चर द ब्रिटिशर्स फ्रॉम आवर मदरलैंड। इट मीन्स गांधी जी ने कैसे अपनी मदरलैंड से, अपने इंडिया से ब्रिटिशर्स को डिपार्चर करने के लिए डिसाइड किया था। एंड दिस स्टोरी इज अबाउट द कंट्रीब्यूशन मेड बाय द पीपल टू द फ्रीडम मूवमेंट, और किस प्रकार जो लोग हैं अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं अपने इस इंडिया के अंदर, जब हमारे इंडिया था जो गुलाम हुआ था, तो किस प्रकार आज़ादी को गेन करने के लिए, फ्रीडम को गेन करने के लिए किस प्रकार अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, अपना योगदान देते हैं, तो इसके अंदर बताया गया है। दिस चैप्टर ऑल्सो डील्स विद एन अनइक्वल बैटल बिटवीन द ओप्रेस्ड एंड ओप्रेसर्स। ओप्रेस्ड का मीनिंग होता है जो दास बन जाते हैं, एंड ऑपरेशन का मतलब गुलाम बनाने वाले लोग होते हैं। इट मीन्स ब्रिटिशर्स और अपने जो पिजन्स थे, अपने जो फार्मर्स थे, वो किस प्रकार उन लोगों गुलाम बन जाते हैं, किस प्रकार जो ब्रिटिशर्स हैं, लैंडलॉर्ड्स हैं, वो कैसे अपने जो पिजन्स हैं, फार्मर्स, उनकी लैंड को अपने अंडर ले लेते हैं और किस प्रकार उनके साथ वो टॉर्चरिंग करते हैं, तो इसके बारे में बताया गया है। जो चैप्टर है अनइक्वलिटी को डील करता है। विद एफर्ट्स एनीवन कैन बियर फ्रूट्स। कोई भी आदमी अपने मतलब एफर्ट से मतलब सक्सेस प्राप्त कर सकता है। पेशेंस, प्रिजर्वेंस एंड डिटर्मिनेशन कैन हेल्प पीपल टू ओवरकम ऑल द डिफिकल्टीज। पेशेंस मीन धैर्य, प्रिजर्वेशन का मीनिंग क्या होता है, जो हम हरी जो कोशिश होती है, ट्राई होती है। एंड डिटर्मिनेशन कैन हेल्प पीपल टू ओवरकम ऑल द डिफिकल्टीज। इट मीन्स जो सारी चीज़ें, हमारा जो पेशेंस है, हमारा जो डिटर्मिनेशन है, हमारा जो कोशिश है, वो सारी की सारी किस प्रकार हर डिफिकल्टीज को क्या कर सकते हैं, हम रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं। एंड हैंडलिंग विद डिफिकल्टीज वन शुड फोकस ऑन द सोल्यूशन एंड रिजल्ट देन प्रॉब्लम। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, फिर दोबारा सुनेंगे आप इस ध्यान से। हैंडलिंग विद डिफिकल्टीज इट मीन्स वेन वी ट्राई टू हैंडल आवर डिफिकल्टीज वी शुड फोकस ऑन द सोल्यूशन एंड रिजल्ट नॉट ऑन द प्रॉब्लम्स। हमें अपने सोल्यूशन और अपने जो रिजल्ट है उस पर फोकस करना चाहिए, ना कि हमें प्रॉब्लम से। प्रॉब्लम चाहे हमारे रास्ते में कितनी क्यों ना हो, वी शुड ट्राई टू रिमूव दैम, हमें उनको रिमूव करने की कोशिश करनी चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए जो इसका रिजल्ट है वो पॉजिटिव निकलेगा, इसका जो सोल्यूशन है वो पॉजिटिव निकलेगा, बस इतना ही हमारे माइंड में फिक्स होना चाहिए। वी शुड नॉट पे एनी अटेंशन ऑन द डिफिकल्टीज ऑन द प्रॉब्लम्स इफ वी आर डिटरमाइंड। अगर हम डिटरमाइंड है करने के लिए तो हमें कोई ध्यान नहीं देना चाहिए। वन शुड लर्न सेल्फ डिपेंडेंट रेदर देन लुकिंग फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। We should learn self-dependent rather than looking for help from others. It means हमें self-dependent बनना चाहिए, ना कि हमने दूसरों के face पर देखना चाहिए, दूसरों की help की इच्छा करनी चाहिए कि वो आदमी हमारी help कर देगा तो it means हम उसमें success हो जाएंगे। नहीं, we have to make ourselves strong. हमें स्वयं को क्या बनाना है, strong बनाना है। इस मामले में हमें दूसरों से कोई help की आशा नहीं करनी है। इट इज इम्पोर्टेंट टू टीच द पीपल ऑफ एनी कंट्री टू फाइट इंडिपेंडेंटली एंड बी क्रेजियस इन डिफिकल्ट सिचुएशन। इट इज इम्पोर्टेंट टू टीच द पीपल ऑफ एनी कंट्री टू फाइट इंडिपेंडेंटली एंड बी क्रेजियस इन डिफिकल्ट सिचुएशन। इट मीन्स जब भी कोई कंट्री गुलाम हो जाती है तो किसी भी कंट्री को मतलब इंडिपेंडेंटली मतलब फाइट करना चाहिए और क्रेजियस होना चाहिए उन डिफिकल्ट सिचुएशन को फाइट करने के लिए। इंडिगो चैप्टर ऑल्सो हाईलाइट मैनी वैल्यूज। तो इंडिगो चैप्टर वो भी काफी वैल्यूज को हाईलाइट करता है, इंपॉर्टेंट वैल्यूज को हाईलाइट करता है।
गांधीजी विजिट चंपारण एट द रिक्वेस्ट ऑफ ए वेरी पुअर पीजेंट नेम्ड राजकुमार शुक्ला। तो इस प्रकार इस चैप्टर के अंदर जो एक पीजेंट होता है जिसका नाम होता है राजकुमार शुक्ला, वो रिक्वेस्ट करता है गांधी जी से, दैट इज वाई गांधी जी विजिट चंपारण जो बिहार में पड़ता है, चंपारण डिस्ट्रिक्ट के अंदर विजिट करता है उस पीजेंट के कहने, पीजेंट का मीनिंग होता है मजदूर, जो जमींदार लोग होते हैं, फार्मर होते हैं, उसके लिए। इंडिगो वॉज कॉमर्शियल क्रॉप, पीजेंट हैड टू क्रॉप इंडिगो ऑन 15% ऑफ देयर लैंड। इट मीन्स जो उस टाइम जिस टाइम हमारा देश गुलाम था, तो उस टाइम जो इंडिगो थी वो एक कॉमर्शियल क्रॉप होती थी, क्योंकि अंग्रेज लोग थे वो अपना नील क्रिएट करने के लिए, बनाने के लिए भारत से इंडिगो लेके जाते थे, नील लेके जाते थे और वहां पर वो नील बनाते थे, और यहाँ पर वो पीजेंट्स को फोर्स करते थे कि वो अपने लैंड के 15% के ऊपर इंडिगो उगाएंगे और वो उनको सरेंडर करेंगे, वो उनको देंगे, उसके बदले उनको पैसा नहीं मिलता था, बट उनको फोर्स किया जाता था, कॉम्पेल किया जाता था कि वो अपने 15% लैंड के ऊपर क्या करेंगे, इंडिगो उगाएंगे। और इस वजह से जो पीजेंट्स थे वो बेचारे काफी परेशान हो गए थे, इसलिए जो एक राजकुमार शुक्ला नाम का जो पीजेंट थे उसको पता चलता है गांधी जी इस मामले में बहुत अच्छा काम करता है, वो गांधी जी के पास जाता है उसको चंपारण लाने के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के लिए। ही डिसाइडेड टू एक्सेप्ट ए सेटलमेंट ऑफ 25% ऑफ ए कंपनसेशन मनी टू सरेंडर लैंडलॉर्ड्स एंड टू ब्रेक द डेड लॉ। तो इस प्रकार जो गांधी जी होता है वो उनकी प्रॉब्लम को सोल्व आउट करता है, और लास्ट के अंदर जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं, जो ब्रिटिशर्स होते हैं, वो 25% जो उनके मनी थे उनको वापस देने के लिए तैयार हो जाते हैं, और वे कुछ दिन के बाद उनकी लैंड को क्या कर देते, वापिस कर देते हैं। तो इस प्रकार गांधी जी की वजह से जो पीजेंट्स है, जो फार्मर्स है, वे मतलब सीखते हैं कि हाउ टू फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस एंड अनइक्वलिटी, कि वो सीखते कि इट्स अवर राइट, हमारा अधिकार है कि हमें जो इनजस्टिस होता है और जो अनइक्वलिटी होती है उसके अगेंस्ट हम कैसे फाइट कर सकते हैं। तो ये इस चैप्टर की थीम है बेटा, एंड नाउ आई वुड लाइक टू क्लियर द समरी ऑफ द चैप्टर लेसन एंड सी द डायग्राम that I made it to clear your chapter very clearly. Yes, beta, you have to understand this diagram, how the scene goes in the chapter point to point, and how you can remember this story of Mahatma Gandhi regarding indigo problem. देखेंगे लखनऊ, इट मीन्स जब राजकुमार शुक्ला होता है जो गांधी जी के पास इंडिगो प्रॉब्लम को सोल्व आउट करने के लिए जाता है, तो उस टाइम गांधी जी कहाँ होता है, लखनऊ के अंदर होता है, उसको कहीं मीटिंग अटेंड करनी होती है वहां पर, तो वो मीटिंग में होता है, तो राजकुमार शुक्ला वहां पर लखनऊ में जाता है, ठीक है। अब जब राजकुमार शुक्ला जो पीजेंट गांधी से मिलता है, तो गांधी उसको बोलते हैं कि उसके पास दूसरे कमिटमेंट भी है, दूसरे काम भी है, इसलिए वो उसके साथ नहीं चल सकता, बट राजकुमार शुक्ला था वो काफी डिटरमाइंड बंदा था, और वो जहां भी गांधी जाता है उसके साथ साथ जाता है, इट मीन्स जब तक गांधी ने उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं कर लिया तब तक वो उसका साथ नहीं छोड़ता है। तो लास्ट के अंदर जो गांधी जी है वो राजकुमार शुक्ला के इस डिटर्मिनेशन से काफी पर्सन होता है, और लास्ट में उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है, और उससे कहता है कि मैं कलकत्ता आऊंगा और वहां से तुम मुझे लेकर चलना चंपारण के लिए। तो लास्ट के अंदर गांधी जी कहां पहुंचता है, कलकत्ता पहुंचता है, और वहां पर कलकत्ता के अंदर जो राजकुमार शुक्ला है उसको ऑलरेडी वहां पर बैठा हुआ मिलता है, और लास्ट में गांधी जी अपने जब सारे वर्क को कंप्लीट कर लेता है तो राजकुमार शुक्ला के साथ चल पड़ता है। अब राजकुमार शुक्ला और गांधी जी कहां से डिपार्चर होते हैं, कलकत्ता से डिपार्चर होते हैं, और वो सबसे पहले कहां जाते हैं, बिहार जाते हैं। बिहार के अंदर राजेंद्र प्रसाद, आप जानते हो राजेंद्र प्रसाद कौन था, तो राजेंद्र प्रसाद जो राजेंद्र प्रसाद है जो हमारा फर्स्ट प्रेसिडेंट था उसे मिलता है। राजेंद्र प्रसाद के जब वो घर जाते हैं बिहार के अंदर, तो उस टाइम राजेंद्र प्रसाद के जो सर्वेंट होते हैं वो घर पर होते हैं, राजेंद्र प्रसाद घर पर नहीं होता, वो कहीं बाहर होता है, और गांधी जी की जो ड्रेसिंग जो सेंस होती है वो काफी कॉमन होती है, नॉर्मल होती है, और दूसरी बात ये थी वो पीजेंट के साथ होता है। तो राजकुमार शुक्ला के राजेंद्र प्रसाद के जो सर्वेंट होते हैं वो गांधी जी को चारपाई पर नहीं बैठने देते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, यू आर अनटचेबल, इट मीन्स तुम अनटचेबल हो, तुम लो कास्ट से बिलोंग करते, इसलिए आपको चारपाई पर बैठना अलाउ नहीं है। इसलिए गांधी जी और राजकुमार शुक्ला कहां बैठ जाते हैं, ग्राउंड पर बैठ जाते हैं। तो यहाँ पर भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है, और यहाँ फर्स्ट सीन में भी आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट अराइज होता है कि
इसके अंदर राजकुमार शुक्ला के ऊपर मतलब क्वेश्चन किया जाता है कि राजकुमार शुक्ला किस प्रकार डिटरमाइंड और एक दृढ़ निश्चय बंदा था, उस पर क्वेश्चन होता है। और यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है भी राजेंद्र प्रसाद के सर्वेंट ने गांधी जी को चारपाई पे बैठने के लिए अलाउ क्यों नहीं किया, या उन्होंने उसको अनटचेबल क्यों समझा, तो ये क्वेश्चन आ जाता है। तो पहली बात तो ये होती है उसको अनटचेबल क्यों समझा, क्योंकि वो एक तो राजकुमार शुक्ला के साथ होता है और राजकुमार शुक्ला वो एक पीजेंट होता है और वो राजकुमार शुक्ला हमेशा राजेंद्र प्रसाद से पैसे मांगने के लिए आता रहता था, इसलिए जो सर्वेंट थे वो राजकुमार शुक्ला को जानते थे, इसलिए उन्होंने सबसे जो राजकुमार शुक्ला के साथ जो बंदा आया है वो भी क्या होगा राजकुमार शुक्ला जैसे मतलब लो कास्ट से बिलोंग करता होगा, इसलिए वो गांधी का लो नहीं करता। दूसरी जो गांधी जी की जो ड्रेसिंग सेंस थी, हालांकि वो जो लीडर वो लीडर था बट उसकी जो ड्रेसिंग सेंस थी वो काफी नॉर्मल थी, नॉर्मल से भी बिलो थी, इसलिए उन्होंने उसको अनटचेबल समझा। और इवन इतना ही नहीं है, उसको वेल में से कुएं में से उसको पानी भी नहीं खींचने दिया जाता है, उनको लगता है कि अगर गांधी की बुकेट से अगर कोई पानी के ड्रॉप कुएं के अंदर गिर जाते तो पूरा कुआ क्या हो जाएगा, पोल्यूट हो जाएगा, दूषित हो जाएगा उसके अनटचेबल की वजह से। तो यहाँ पर आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता होता है। अब इसके जस्ट बाद यहाँ से बिहार के बाद गांधी जी कहाँ पहुंच जाता है, मुजफ्फरपुर पहुंच जाता है। आज सबसे पहले वो सीधा चंपारण क्यों नहीं जाता, क्योंकि मेन प्रॉब्लम होती है चंपारण के अंदर होती है, मुजफ्फरपुर पहुंचता है। मुजफ्फरपुर के अंदर वो क्यों जाता है, क्योंकि वो राजकुमार शुक्ला ने उसको कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी थी, तो कुछ अदर इन्फॉर्मेशन भी वहां से लेना चाहता था इंडिगो प्रॉब्लम के रिगार्डिंग। और वहां पर वो किससे मिलता है, जेबी कृपलानी से मिलता है, जो एक प्रोफेसर था कॉलेज के अंदर और उसका नॉन था, उसके साथ कभी पढ़ा था तो उसको जानता था, तो वहां पर वो उससे मिलता है। तो रात के टाइम जेबी कृपलानी उसको स्टेशन पर उसको वहां लेके जाता है और उसको अदर इन्फॉर्मेशन गैदर करने में उसकी हेल्प करता है। और रात के टाइम जो गांधी जी है वो कहाँ किसके घर रुकता है, प्रोफेसर मलकानी, ये एक दूसरा टीचर है स्कूल के अंदर, उससे मिलता है और घर पर रुकता है। तो उस टाइम कोई भी जो होम रूल कब नहीं होता है, जो अपने ही कंट्री का जो लीडर होता था उसको कोई भी आदमी अपने घर स्टे नहीं करने देता था। क्यों नहीं करने देता था, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने पाबंदी लगा रखी थी भी कोई भी अगर अपने इंडिया का जो व्यक्ति है अगर किसी होम रूल व्यक्ति का साथ देता नजर आ गया तो उसको अपराध माना जाएगा। लेकिन उस टाइम प्रोफेसर मलकानी ने बड़ी हिम्मत से उसको गांधी को घर अपने घर स्टे करने दिया था। तो यहाँ पर भी होम रूल पर क्वेश्चन बनता है, आपका जब चैप्टर पढ़ाऊंगे तो वहां पर ही आएगा सीन, तो आप वहां पर देखना। तो यहाँ से वो सारी इन्फॉर्मेशन क्या करता है, गैदर करता है। और मुजफ्फरपुर के अंदर गांधी जी को पता चलता है कि किस प्रकार जो अरेबल जो लैंड होती है, अरेबल में जो क्रोपेबल जहां पर हम हमारे जो फर्टिलाइजर जो लैंड होती है वो अंग्रेजों ने अपने अंडर ले रखी थी, जो ब्रिटिशर्स थे जो लैंडलॉर्ड्स उन्होंने अपने अंडर ले रखी थी, और जो पिजेंट्स थे जो मजदूर लोग थे उनको कॉम्पेल किया जाता था, फोर्स किया जाता था कि वो 15% एक तो अपने अंडर लैंड लेके उनको बदले में दे देना, उनसे पैसे लेना, और दूसरा उनको कॉम्पेल किया जाता था, उनको फोर्स किया जाता था कि वो 15% लैंड के ऊपर क्या उगाएंगे, इंडिगो को उगाएंगे, क्या उगाएंगे, इंडिगो। और बाद में इंडिगो उनको क्या करना, एज ए रेंट मतलब उनको सरेंडर करनी पड़ती थी, ब्रिटिशर्स को वापस देनी पड़ती थी। लेकिन इसी दौरान जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो को डेवलप कर लिया था, सिंथेटिक ये तो थी अपनी नेचुरल इंडिगो, और जर्मनी ने उस टाइम सिंथेटिक इंडिगो को डेवलप कर लिया था। और जब मार्केट में सिंथेटिक इंडिगो आ जाती है तो जो नेचुरल जो इंडिगो होती है उसकी कीमत क्या हो जाती है, मार्केट में डाउन चली जाती है, उसकी मार्केट में कीमत डाउन जाने की वजह से क्या होता है कि उसकी कीमत बढ़ जाती है सिंथेटिक इंडिगो की। और जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स ने सोचा कि अब हमें कुछ मतलब प्लान बनाने चाहिए, तो क्या कहते हैं पीजेंट से कि अगर तुम 50% लैंड पर इंडिगो नहीं उगाना चाहते तो उसके बदले में तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। तो कुछ जो पीजेंट्स थे उन्होंने तो विलिंगली पैसे दे दिए थे और कुछ ने पैसे नहीं दिए थे, कुछ ने अगेंस्ट। उसी टाइम गांधी जी वहां पर क्या होता है, पहुंच जाता है। फिर उसके बाद गांधी क्या जाता है, मोतिहारी जाता है। लेकिन जब मोतिहारी जा रहा होता है तो रस्ते के अंदर उसको एक पुलिस सुपरिंटेंडेंट मिलता है, सुपरिंटेंडेंट। तो पुलिस सुपरिंटेंडेंट उसको गांधी जी को बोलता है कि तुम यहां से वापस ले जाओ, अदरवाइज तुम्हारे साथ गलत हो जाएगा। लेकिन गांधी जी उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है और वापस मुजफ्फरपुर आ जाता है। फिर जस्ट उसके बाद गांधी जी कहाँ पहुंचता है, यहाँ पर एक जो यहाँ पर मुजफ्फरपुर के अंदर गांधी जी एक सेक्रेटरी से मिलता है, जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड सेक्रेटरी होता है उससे मिलता है, उससे प्रॉब्लम कहता है। लेकिन सेक्रेटरी क्या कहता है कि हम आपको एक आउटसाइडर मानते हैं और हम आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहेंगे। उसके बाद गांधी जी एक ब्रिटिश कमिश्नर से बात करता है तो ब्रिटिश कमिश्नर उसको धमकी देता है गांधी जी को कि तुम्हें यहां से चले जाना चाहिए, हम आपकी कोई बात को नहीं सुनेंगे। लेकिन गांधी जी उनकी हर बात को मना कर देता है और वहीं पर स्टे करता है। और लास्ट में गांधी जी कहाँ जाता है, और चंपारण पहुंच जाता है। और चंपारण पहुंचने के बाद जब उसने उनकी बातों को मानने से मना किया था तो उसको हाई कोर्ट के अंदर गांधी जी को बुला लिया जाता है,
उसके पैसे लग जाते गांधी जी की। और जब सभी पेजेंट्स को, फार्मर्स को वहां पर नियर बाय मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, चंपारण, वहां के सब लोगों को पता चलता है कि इस प्रकार उनके लीडर को कोर्ट के अंदर बुलाया गया है, तो सारे के सारे लोग वहां पर, एक बहुत बड़ी भीड़ होती है, वो कोर्ट के चारों तरफ पहुंच जाती है, कोर्ट को चारों तरफ से घेर लेती है। अब जब कोर्ट को घेर लेती है तो जो अंदर जो गवर्नर होते हैं तो वे लोग घबरा जाते हैं भीड़ को देखकर, और वे गांधी जी की बात को सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इस प्रकार वे बात को सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं, और लास्ट के अंदर गांधी जी क्या कहता है उनसे, मतलब उनकी बात से वे एग्री, यानी कि लेफ्टिनेंट जो गवर्नर होता है वो गांधी जी की बात से एग्री हो जाता है, उनकी बात को समझने की कोशिश करता है, और लास्ट में वो गांधी जी से बोलते भी तुम्हें कितने पैसे वापस चाहिए, तो गांधी बोलते ठीक है मैं 50% पैसे वापस कर दो, क्योंकि कुछ लोगों ने पैसे उनको दे दिए थे, वापस कर दो। तो इस प्रकार लास्ट के अंदर जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, हम 50% नहीं देंगे, हम सिर्फ 25% पैसे वापस देंगे। तो गांधी लास्ट में 25% पैसे पर एग्री हो जाता है। एग्री क्यों हो जाते हैं कि गांधी को पता था कि उनके लिए पैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कम से कम यहाँ पर एक डेडलॉक बना हुआ था मजदूरों के बीच में और लैंडलॉर्ड्स के बीच में, क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, और उनकी जो प्रेस्टीज होता है, उनका जो सम्मान हो जाता है लैंडलॉर्ड्स का, वो क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। तो इस प्रकार वो 25% पर एग्री हो जाता है। यहाँ पर भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बनता है कि गांधी 25% पे क्यों एग्री हो जाता है, वो चैप्टर पढ़ाएंगे तब आप ध्यान से सुना। अब इतने मतलब ये प्रॉब्लम तो, इंडिगो वाली प्रॉब्लम तो सोल्व आउट हो जाती है। लास्ट में गांधी क्या देखता है, चंपारण के अंदर कुछ अदर प्रॉब्लम्स थी, वहां पर जो लोग थे वो साफ सफाई के साथ नहीं रहते थे और लोग काफी मतलब डिजीज से सफर कर रहे होते थे, तो गांधी वहां पर कुछ अदर वर्क भी करता है, नॉट ओनली पॉलिटिकल बट ऑल्सो सोशल वर्क भी करता है। वहां पर पॉलिटिकल प्रॉब्लम सोल्व आउट हो जाती है। अब सोशल वर्क के अंदर गांधी क्या करते हैं, ये आपका 6 नंबर का क्वेश्चन बनता है। यहाँ पर इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीननेस, गांधी अपनी वाइफ की हेल्प से, अपने बेटे की हेल्प से लोगों को क्लीननेस, साफ सफाई के इम्पोर्टेंस को समझाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 3 मेडिसिन, और वहां पर चंपारण के अंदर वो 3 मेडिसिन को डिस्ट्रीब्यूट करता है, कैस्टर ऑयल, कोनेन और सल्फर ऑइंटमेंट। कैस्टर ऑयल होती है वो टंग प्रॉब्लम में फायदेमंद होती है, कुनिन होती है फ्यूर में फायदेमंद होती है, और सल्फर ऑइंटमेंट जो होता है वो स्किन डिजीज के लिए फायदेमंद होती है। तो 3 जो मेडिसिन होती है वो डिस्ट्रीब्यूट की जाती है चंपारण के अंदर लोगों को। उसके अलावा ओपनिंग स्कूल्स इन 6 विलेजेस, गांधी क्या करता है वहां पर 6 गांवों के अंदर स्कूल को ओपन करता है और लोगों को एजुकेट होने के लिए क्या करता है, प्रमोट करता है। यस बेटा, इट्स द स्टोरी ऑफ गांधी, हाउ ही डिड हिज बेस्ट टू इम्प्रूव द सिचुएशन ऑफ द पीजेंट ऑफ द चंपारण। आई थिंक यू गोट द समरी ऑफ दिस चैप्टर, एंड नाउ आई वुड लाइक टू क्लियर चैप्टर लाइन टू लाइन, एंड आई विल क्लियर द चैप्टर, आई विल स्टार्ट द चैप्टर इन नेक्स्ट वीडियो, सेकंड वीडियो। थैंक यू।